Good morning everyone. Today we are studying about civics portion, functioning of Indian democracy. Indian democracy means our government कैसे work करती है. तो India एक democratic state है और इसका जो framers हैं Indian constitution के, उन्होंने parliamentary form of government adopt किया है. जो democratic setup है वो हमारा कैसा है, parliamentary form of government में है. एंड इस system में जो executives हैं center पर बैठे हुए हैं, center में हैं, मतलब parliament जो है और other executives हैं, मतलब चलाने वाले जो लोग हैं state को, वही legislative assembly means विधानसभा के लिए responsible भी हैं. वही एग्जीक्यूटिव जो हैं दो टाइप के हैं, नॉमिनल और रियल पावर जिनके पास में होता है. नॉमिनल मींस नाम मात्र के. अगर हम बात करें अपने डेमोक्रेटिक स्टेट की, अपने इंडिया की, तो इंडियन डेमोक्रेसी में नॉमिनल जो हेड है वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट है और जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है. प्राइम मिनिस्टर एक पार्ट है पार्लियामेंट का. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड्स की बात कर रहे हैं. आपने कुछ जगह पे कुछ कंट्रीज़ में देखा होगा कि एक्चुअल में दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है. और वहीं अगर हम यूएसए को देखें, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपने देखा मिस्टर ट्रंप जो बड़े से बड़े डिसीजंस लेते हैं, और अपने यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े बड़े डिसीजंस अपने यहाँ ये लेते हैं. क्लियर? तो जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म मींस टू पार्ट्स में पावर्स डिवाइडेड होना. क्लियर? जिसमें मिक्स्ड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम है, जिनमें गवर्नमेंट जो है होल कंट्री के लिए, विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ होल कंट्री, मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट. अब बात होती है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की. तो स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, एक्चुअल में स्टेट में भी दो हेड हैं, एक नॉमिनल हेड और एक एग्जीक्यूटिव हेड. नॉमिनल हेड जो है वो है गवर्नर. एट प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है, एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर आप ग्रुप में देंगे सभी एट प्रेजेंट. और अब हम बात कर रहे हैं कि सीएम की बात कर रहे हैं. तो जो सीएम है, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड, एक एक्टिव पर्सन है, वो सारे डिसीजंस लेते हैं. वहीं पे हम बात करते हैं किसकी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो सेंट्रल में प्रेसिडेंट होगा, नॉमिनल हेड, और स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट में और सेंट्रल में जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो है पीएम. कौन है, प्राइम मिनिस्टर. अंडरस्टैंड? तो इंडिपेंडेंस के बाद में वी अडॉप्टेड अ प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. हमने नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी प्रोसेस अडॉप्ट की हैं जो बेस्ड हैं पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी. और ये जो पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी जो है टोटली डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट एंड पब्लिक गुड, मतलब हमेशा पब्लिक के अच्छाई के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो टोटली बेस्ड किस पर हैं, पब्लिक के अच्छाई के लिए. जो ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन का इज़ टू इंश्योर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस और फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. हम बात कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की. तो जो पावर है ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, मतलब ज्यूरिसडिक्शन मीन्स न्यायिक अधिकार से रिलेटेड हैं, वो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड. फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास में. अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात जब हो ही रही है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो इंडिया का, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. अब लोकल गवर्नमेंट कहाँ से आ गया,
तो जो नगर पालिका, नगर निगम ये जो हैं, और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बनती है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री और इंडियन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट मिलता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधानसभा और हाई कोर्ट से। और लोकल गवर्नमेंट जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब नगर निगम, म्यूनिसिपालिटीज़, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। ये प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का, वो डिवाइड है स्टेट रेवेन्यू डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेजेस में। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम सबसे पहले स्टेट रेवेन्यू डिवीज़न्स, डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स और फिर विलेजेस। इस तरीके से कंट्री जो है, इस तरीके से कंट्री को प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टॉप टू बॉटम लेवल पर दिखाया गया है। जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, प्रैक्टिकल और यूजफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं, ये किसके रीजनल और लोकल लेवल पर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टैंड? अब हम जब बात कर रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मींस कानून बनाने वाले, लेजिस्लेशन बनाने वाले, लॉ बनाने वाली बॉडी पार्लियामेंट और स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, राज्यसभा। और अब एग्जीक्यूटिव्स जो हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी है। जुडिशरी की बात हो रही थी, मतलब जो वर्डिक्ट दिलाता है, मतलब ऐसा है लॉ बनाया और उसको एग्जिस्टेंस में लाए, और जो फॉलो नहीं करेगा उनके लिए क्या क्या करेंगे, उनको पनिश करेगा कौन, जुडिशरी। ये है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट लेवल पर देखें तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और यूपी उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे बाइकैमरल, मतलब क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों हाउसेज वहाँ पे आपको मिलेंगे, मींस विधानसभा और विधान परिषद दोनों। हमारे यहाँ पे विधानसभा बस है। एग्जीक्यूटिव हेड्स की बात करें तो एग्जीक्यूशन करते हैं कौन, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कौन है, चीफ मिनिस्टर। जुडिशरी की बात करें तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, जब अपने यहाँ पे जब सीएम बने थे, अभी जो दोबारा जो फिर से ये बने मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री चूज़ की। तो अभी आपने देखा होगा, बड़े न्यूज़पेपर में था कि इस मतलब न्यूज़ में काफ़ी रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए स्पेशल जो डिपार्टमेंट स्पेशल चाहिए हैं, है ना। तो जो ये डिपार्टमेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है कि हमें परिवहन मंत्रालय मिलेगा, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड वो मिलेगा। तो ये जो सब क्या हैं, ये हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको कौन चूज़ करता है, चीफ मिनिस्टर। और ये चीफ मिनिस्टर किससे डिस्कस करता है, गवर्नर से, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इनकी चूज होती है। सेम चीज़ यहाँ पे कहाँ पे, सेंट्रल में भी होता है, जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों मिलके आपस में डिस्कस करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। क्लियर? तो एवरी यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके पास में ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, अलॉट किए गए हैं। और ये अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से बना करते हैं, अपनी जो पीपल की एस्पायरेशंस, पीपल की विशेस पर प्रॉपर वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट अच्छी चलती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।